नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज कल चर्चा हो रही थी संयुक्त किसान संयुक्त संघर्ष मोर्चा को बुलाया तो गया, लेकिन बैठक में उन्होंने मान्यता प्राप्त संगठन से बातचीत की और इसके बाद बड़ी चर्चा शुरू हुई, बातचीत हुई और बात आगे बढ़ी और इसके बाद आज संयुक्त मोर्चा की सुशील पांडे के नेतृत्व में, त्यागी जी के नेतृत्व में, संतोष तिवारी के नेतृत्व में, ये संयुक्त मोर्चा की और विजय बंधु के नेतृत्व में आज ये बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षा मित्र के संगठन की ओर से सुशील यादव तो अनुदेशक संघ की तरफ से सुमित पाल बैठक में मौजूद थे। काफी जगह से शिक्षक इस आज मोर्चा की बैठक में सभी संगठन मौजूद थे। जो संगठन नहीं मौजूद थे उनके अपने प्रतिनिधि भाग ले रहे थे और देखते ही देखते आज जो कल का प्रोग्राम आप लोगों ने, दर्शकों ने जो बेहद बड़ी तादाद में सरकार तक पहुंचाया, कल संयुक्त मोर्चा का जो प्रोग्राम था वो सिर्फ न्यूज पर दिखाया गया था और उसे 1.25 लाख लोगों ने कल देखा। आज सरकार से बातचीत हुई, बातचीत में एक सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हुई है, ये आप लोगों के संख्या बल का परिणाम है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अनुदेशक शिक्षा मित्र अगर ऑनलाइन साथ दे दे, महीने भर के भीतर सारे परिणाम दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन तय आपको करना है, मुझे नहीं। अभी इस पर मेरे साथ विजय बंधु जी भी होंगे, सुशील पांडे जी भी होंगे, त्यागी जी भी होंगे, तिवारी जी भी होंगे और इस पूरे मामले का जोड़ घटाव लगाने वाले वो सभी नेता सम्मिलित होंगे। मैं आज कम से कम ये चर्चा तो हुई कि मानदेय पर चर्चा आएगी, अब तक तो कोई शिक्षा मित्र अनुदेशक की बात न करने वाला था न सुनने वाला था। मैंने ये पीड़ा उठाया कि सभी शिक्षक संगठन एक मंच पर आए, शिक्षक एक हुआ, शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक सब एक हुए। अरे मानदेय अलग हो सकता है, पैसा तो एक ही है, ड्राइवर ड्राइवर रहता है, वो चाहे 4 व्हीलर चलाए, 2 व्हीलर चलाए और चाहे 5 पहिया का वाहन चलाए, चाहे 10 पहिया का चलाए, चाहे 25 पहिया का चलाए। ऐसे ही आज सब शिक्षक संगठन एक हो गए, संयुक्त मोर्चा बन गया। आज पहली बार सरकार को मोनोपोली तोड़कर संयुक्त मोर्चा से भी दूसरे ही दिन बातचीत करनी पड़ी। पूरा देश जब मुहर्रम की छुट्टी मना रहा था तब आपकी आवाज को सुनने के लिए सरकार के लोग तत्पर बैठे थे, आपकी बात सुनने को राजी थे, आपके साथ विधिवत मीटिंग करने के लिए बैठे थे। ये आपकी बड़ी जीत है और इसी जीत के साथ लगातार जो हम आपसे चर्चा करते हैं, हम आपसे बातचीत करते हैं, उसका नतीजा है कि आज एक जीत की ओर अग्रसर हुए। कल कई लोगों ने इस प्रोग्राम को शेयर किया था ग्रुप्स में और कल की हेडिंग मेरी अपनी थी, मेरे साथ मेरे और 2500 दर्शक जुड़े, वो वीडियो 1 लाख से ज्यादा देखा गया, ट्रेंड में आया, सरकार तक पहुंचा। अगर आज भी ये वीडियो 4000-5000 लोग लाइव जुड़े, आप सभी लोग प्रयास करके इस वीडियो को वायरल किया तो आपके अधिकार, आपका मानदेय, आपका नियमितीकरण इस देश में, इस राज्य में कोई रोक नहीं सकता है। इस समय सरकारें दबाव में हैं और दबाव के समय चोट कर देना चाहिए, हिम्मत दिखा देनी चाहिए, वायरल कर देनी चाहिए अपनी आवाज। मेरी आवाज नहीं है, आवाज आपकी है। आपको मैंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया सरकार तक बात पहुंचाने के लिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनो तो बनते रहो, आवाज जब तक किसी जरिए से पहुंचेगी, अभी कुछ ही पलों में
संयुक्त मोर्चा के सभी नेता मौजूद होंगे और उस समय इस वीडियो को आप सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें लगेगा कि शिक्षा मित्र अनुदेशक बेहद परेशान है, बेहद दुखी है, भूख से मरा जा रहा है। ये तय आप करना है, सिस्टम आपको तैयार करना है। हमारे साथ जल्द ही हमारे शिक्षक नेता जुड़ेंगे, मैं तब तक प्रयास करूंगा, अपने साथी से कहूंगा कि जरा शिव कुमार शुक्ला जी से भी बात कीजिए, मैं भूल गया हूं, जल्दी से उन्हें भी जोड़ना है। शिव कुमार शुक्ला जी शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज सुशील यादव साथ थे, मीटिंग में थे, क्या रहा ये सभी बात हम उन सभी नेताओं के समक्ष आपके समक्ष रखना चाहते हैं। मैं लगातार आपसे चर्चा करता रहा, अब मैं आपको बताता हूं आज बैठक में क्या हुआ। शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश ने डिजिटाइजेशन के जो ऑनलाइन हाजिरी है उसको लेकर एक मंच से विरोध किया। प्रदेश के जनपदों में शिक्षकों व संगठनों के चट्टानी एकता के आगे सरकार ने संयुक्त मोर्चे की बुलाई बैठक। बैठक में प्रदेश संयोजक गणों ने यह फैसला लिया कि ऑनलाइन उपस्थिति की प्रक्रिया का आदेश निरस्त नहीं होगा, तब तक मोर्चा किसी भी बिंदु पर वार्ता नहीं करेगा। कल स्थगन आदेश आने के उपरांत आज मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन मनोज सिंह जी के निर्देशानुसार महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा जी ने संयुक्त मोर्चा के घटक संगठनों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में प्रमुख रूप से मोर्चा के मंडल प्रदेश अध्यक्ष जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ योगेश त्यागी, प्राथमिक शिक्षक संघ सुशील पांडे, विशिष्ट बीटीसी प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी, प्रदेश संयुक्त मोर्चा दिलीप चौहान, टीएसटी विवेकानंद, शिक्षा मित्र संघ के महामंत्री हरिनाम सुशील यादव, हरिनाम सिंह, अटेवा से विक्रमादित्य मौर्य, मंगेश यादव, विश्वनाथ मौर्य, सुदेश पांडे, अनुदेशक संघ से रणविजय सिंह, जिला अध्यक्ष जूनियर संघ प्रभाकांत, मंडल महामंत्री आदि उपस्थित रहे और इसमें बातचीत बड़ी विस्तृत हुई है, खुल के बातचीत हुई है, सारी स्थितियां एकदम किताब की तरह खुली हुई हैं। कुछ ही पलों में उन बैठक में मौजूद सभी शिक्षक नेताओं के मुंह से आप समझिए क्या क्या रहा। तब तक मैं दर्शकों से कहूंगा इस वीडियो को पांच पांच जो शिक्षा मित्र शिक्षा संघ शिक्षकों के ग्रुप है उनमें शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। वीडियो जितना लाइक शेयर कर देंगे उतनी आवाज आपकी प्रमुखता से निकलती रहेगी, कुछ भी हो आपकी आवाज मुखर होगी, आपकी आवाज आगे जाएगी। मैं लगातार आपसे चर्चा करता हूं, आपसे बातचीत करता हूं। संतोष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, शायद उनका कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। तब तक हमारे साथ तारकेश्वर साई जी प्रदेश संयुक्त मोर्चा के नेता जुड़ चुके हैं, उन्हीं से सीधा पूछ लेते हैं। साई जी क्या रहा आज की बैठक में लब्बो लुआब? सर बैठक में मैं नहीं था, लेकिन जो सूचना उपलब्ध कराई गई है उसमें यह कहा गया है कि जो सस्पेंड किया गया था 2 महीने के लिए वो अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। टैबलेट की प्रक्रिया अग्रिम आदेश तक निरस्त किया जाता है। शिक्षा मित्रों का अनुदेशकों का कोर्ट का कुछ डायरेक्शन था, उसके अनुसार परीक्षण करके यथाशीघ्र उनके मानदेय घोषणा की जाएगी। एक बात और बता दें, ये सब बातें हुई है कुछ लिखित में भी नहीं हो चुकी, आज छुट्टी थी, लिखित में महानिदेशक का कल जारी होगा और हमारा जो 29 जुलाई वाला जो धरना प्रदर्शन है पे वह यथावत है, 10 दिन का टाइम है। अगर कुछ सकारात्मक आएगा सरकार की तरफ से तो हम उस पर विचार करेंगे। ये हमारे संयुक्त मोर्चा का जो आया है प्रदेश से वो यही है, बाकी अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है उन लोगों की, जैसे CL EL CL, इन सब बातों पे भी सहमति बनी है। कल ही आएगा आदेश, तभी हम उसको सही मानेंगे।
वार्ता में तो सहमति बनी है, वार्ता सकारात्मक रही है बताने के अनुसार, और हमारे संयोजक मंडल ने दो टुक कह दिया कि अगर 10 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं होती है, आदेश नहीं जारी किए जाते हैं, तो हम महानिदेशक कार्यालय पे अनवरत धरना देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रतिनिधिमंडल में हमारे जो संयोजक हैं सुशील पांडे जी प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, माननीय योगेश त्यागी जी जूनियर हाई शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, संतोष तिवारी जी विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और संयुक्त मोर्चा के जो सचिव हैं दिलीप चौहान जी, वो हमारे विशिष्ट बीटीसी के प्रदेश कोष अध्यक्ष भी हैं, ये लोग भी सम्मिलित थे। शिक्षा मित्र संघ से भी लोग थे, निदेशक संघ से भी लोग थे, अटेवा से भी लोग थे, विजय बंधु नहीं थे, मौर्या जी थे, विक्रमादित्य मौर्य, और अधिकारियों में महानिदेशक मैडम थी, निदेशक सर थे, निदेशक एससीईआरटी थे, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद थे, ये लोग थे। तो कल जो आदेश जारी होगा उसके अनुसार फिर तय किया जाएगा क्या करना है, और 10 दिन का समय है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपसे संतोष तिवारी जी जुड़ेंगे, योगेश त्यागी जी भी जुड़ेंगे, लबो लुआब यही है। चलिए ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, और सबसे सब शायद नेटवर्क इशू कुछ आ रहा है तो जुड़ने में थोड़ी थोड़ी विलंबित हो रही है, हालांकि मैं इंतजार में हूँ कि जल्दी जल्दी जुड़े हूँ। फिर उसके बाद जो दर्शकों का इंतजार है कि कैसे किसकी बातचीत हो, कैसे कौन कौन क्या क्या बातें हुई, मैं तब तक आपसे ये भी कहूंगा एक बार अगर हो जाए तो दिलीप चौहान जी से भी आप संपर्क करने का प्रयास कर लीजिए। संतोष तिवारी जी हमारे साथ लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनका कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। तिवारी जी एक बार इसे लिंक को कॉपी करके क्रोम में प्रेस कर लीजिए तो शायद जुड़ जाए, तो जुड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तिवारी जी को, वो लगातार जुड़ जाए, घर पहुंच के जुड़ जाएंगे, बाकी मैं प्रयास कर रहा हूं। हमारे साथ विनय सिंह जी भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है और अभिनंदन है। मैं चाह रहा हूं कि पूरा शिक्षक समाज एक मंच पर हो और शिक्षक जब आवाज उठाए तो प्रदेश की भूमिका बदलने में अपनी महती भूमिका निभाए। हमारे साथ विनय सिंह जी आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और कल की खबर शिक्षक की ताकत होती है और उसे अगर कोई और हकीकत में उसे रूबरू कर दे तो कल का ये हमने देखा कि जब शिक्षकों ने आवाज उठाई और ढंग से इस वीडियो को शेयर किया, 125,000 लोगों ने देखा कल का वीडियो, और उसका असर दिखा विनय सिंह जी कि आज संयुक्त मोर्चा की बैठक बुलाना सरकार को नितांत आवश्यक पड़ गया। बैठक हुई, बैठक में बड़े निर्णय आए, आप सबको बधाई कि शिक्षा मित्र अनुदेशक की बात आपने मुखरता से रखी, उनके मानदेय वेतन पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन अगर जिद पकड़े रहे शिक्षक संगठन तो नियमित होंगे आपके सभी ये छोटे भाई। विनय जी मिश्रा जी नमस्कार, आज मोर्चे की बैठक हुई और काफी कुछ उसमें निर्णय लिए गए, मगर बहुत क्लियर अभी नहीं मैं देख पाया निर्णय क्या क्या हुए हैं। 29 का धरना बरकरार रखना चाहिए क्योंकि ये सरकार धरने को टालने के लिए करने के लिए नए नए नाटक करेगी, करती रहती है, तो 29 का प्रोग्राम अब फाइनल रहना चाहिए और 29 के अंदर हमारे इन्होंने कुछ काम बना दिए, महत्वपूर्ण काम है हमारे शिक्षा मित्र अनुदेशकों का। उसके अलावा जो ईएल का मामला है, जो हाफ सीएल का मामला है, जो मेडिकल रिइंबर्समेंट की बात कही थी उसमें कहा गया कि आयुष्मान में जोड़ने की बात, आयुष्मान के लिए मैं प्रधानमंत्री को करीब 3 पत्र में पहले लिख चुका हूं, तब भी वो आयुष्मान वाली बात टालते रहे। तो इस तरह कम से कम कोई निर्णय बिल्कुल ठोस आ जाए क्योंकि हम लोग इनकी किसी चाल में ना फंसे। अगर हम लोग इनकी चाल में फंसते हैं तो फिर इतनी बड़ी मुहिम जो हम लोग लेके चले हैं ये फिर वैसे की वैसे धरी रह जाएगी, क्योंकि हमने आपको पहले भी कल भी बताया था कि एक संगठन ऐसा था कि जिसने जाके सब गुड़ गोबर कर दिया, जाके उसको पेंडिंग में डाल दिया, उसके बाद जो भी डिमांड्स थी, इतना प्रेशर था मोर्चा का, इतना प्रेशर था, उसके बाद
मोर्चा के प्रेशर के साथ साथ इन्होंने भी अपना गड़बड़ करके उसी दिन धरना लगाया। जो भी था सरकार झुकी, झुकने के बाद वार्ता के लिए बुलाया, वार्ता होनी चाहिए थी और जो वार्ता कल हुई थी उसमें सारे संगठनों के एक साथ हर संगठन के दो दो पदाधिकारी। मगर चिंता की बात यह, मैंने ये देखा फोटोग्राफ से कल की वार्ता में कि वहां ब्लॉक का पदाधिकारी वार्ता में गया है, जिले का भी पदाधिकारी वार्ता में गया है, तो ऐसे उसमें क्या मतलब खराब ये भीड़ लेके चला गया है। जैसे मोर्चा के जो घटक दल थे इसके 5-6 लोगों को, मेन मेन लोगों को 6-7 लोगों को बुलाया जाता, जो गए थे पुराने संगठन लोग उनको बुलाया जाता, सबके सामने सामूहिक बात होती, सामूहिक बात होते तो सामूहिक बात में एक एक बातें खुलती, वास्तव में बात हुई क्या, क्योंकि जो पुराना संगठन है इनसे कल वार्ता हुई कोई बात के स्पष्ट नहीं की। आज इनका एक पत्र पड़ा हुआ है 2 पेज का जिनकी कल वार्ता हुई है, और दोनों संगठनों ने अलग अलग अपना राग अलापा है। महिला संघ ने कुछ अलग डाला है, इन्होंने कुछ अलग डाला है, और उसमें उन्होंने बताया कमेटी बन गई है, ईएल का निर्णय होगा, सीएल का निर्णय होगा, वो सारी बातें उन्होंने डाल दी, कमेटी बनवा दी। कमेटी लास्ट ईयर बनी थी, आज तक उसका निर्णय नहीं आ पाया, ये कमेटी बनवा देंगे, कब तक चलेगा ये ऊपर वाला ही जानता है। तो हमारा कहने मतलब कि अभी भी हम लोग 29 वाला जो प्रोग्राम है उसके ऊपर प्रेशर डाले रहे, और इस 29 के बीच में, क्योंकि आज अभी 17 तारीख है और 12 दिन का समय है, देखते 12 दिन में क्या कोई आदेश विभाग की तरफ अनुदेशकों का या शिक्षा मित्रों का या जो हम लोगों की प्रॉब्लम है इसका कोई आदेश या कोई प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगर ये प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो केवल हाँ हाँ करके, क्योंकि हर वार्ता के बाद उसका कार्यवट तैयार होता है और कार्यवट में ये बातें रखी जाती है कि संगठन ने ये बातें रखी, इसके ऊपर ये विचार हुआ, तो वार्ता के बाद देखते हैं कि जो कार्यवट कल की वार्ता का जारी होता है, आज की वार्ता का जारी होता है, अगर वो कार्यवट जारी हो जाता है उसमें हम लोग हिसाब से चीजें अगर होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, सबकी जीत, मोर्चा की जीत, हम सारे शिक्षकों की जीत। और अगर विभाग या शासन गुमराह करने की कोशिश करता है कि किसी तरह से 29 का धंधा टाल दे और इन लोग बुला के वार्ता कर ले, वार्ता करे फिर समझा बुझा के भेज दे, तो वो चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि सब मुहिम बनी हुई है, एक प्रेशर बना हुआ है और हम लोगों का पूरे मोर्चा का ये कर्तव्य है कि उस प्रेशर को बरकरार रखे और हम लोगों के पीछे जितने भी लोग, जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हम लोगों के पीछे आस लगाए देख रहे हैं, हम लोग उनके इन बातों पर खड़े उतरे कि इनको 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 इनका जो है वो हमारे पर विश्वास करें और उस विश्वास के साथ हम उसके ऊपर खड़े उतरे। निश्चय बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि विक्रम सिंह को भी हम सुन लें, फिर हम जाएंगे मनोज राय जी के पास। विक्रम जी क्या खबर मिली आपको? हालांकि आज कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है जब तक लिखित आदेश न मिल जाए। मैंने अभी जब बात की शिक्षक संघ के इस मोर्चा के नेता से, सुशील पांडे जी से, वो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, त्यागी जी भी अभी हमारे साथ आएंगे और संतोष तिवारी जी लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन नेटवर्क इशू आ रहा है। दोनों ने कहा ये बात में आदेश नहीं आ जाए तब तक हम कोई भरोसा नहीं करते हैं सरकार। मिश्रा जी बात मैं और कहूंगा जी, एक बात हमको और कहनी है। हमने अभी देखा सोशल मीडिया पे ये चीजें, थोड़ा सा अभी हमने तारकेश्वर साई से फोन पे बात हुई, हमने बताई कि प्राथमिक अपना अलग मैसेज बना के डाल रहा है, जूनियर शिक्षक संघ त्यागी अपना अलग मैसेज बना के डाल रहे हैं और तिवारी के गुट के कुछ लोग अलग मैसेज बना के डाल रहे हैं। जब ये सब एक है तो ये सारा मैसेज एक साथ मिलकर मोर्चा के पैड पे क्यों नहीं जा रहा? जो सामूहिक बातें हुई, जो सामूहिक चर्चा हुई, जब मोर्चा का पैड बना है, इस मोर्चा के पैड पे जाना चाहिए। बातें अलग अलग संगठन के अलग अलग नहीं जानी चाहिए, वाहवाही लूटने के लिए तो बहुत समय पड़ा हुआ है, मगर समय हमारे पीछे इतने शिक्षक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं हमको, यानी इस मोर्चा को उसके ऊपर खड़ा उतरना चाहिए। मिश्रा जी जी, विक्रम सिंह क्या खबर है, क्या खबर मिली सुमित पाल के जरिए जो इस बैठक में मौजूद रहे? आपका बहुत बहुत आभार सर, और आदरणीय विनय सर को, मनोज सर को, तारकेश्वर सर को साधन प्रणाम। अभी विनय सर जो बात कर रहे थे इसे मैं भी सहमत हूं। अभी तक कोई आधिकारिक रूप से संयुक्त मोर्चा का कोई बयान जारी नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं जारी हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, क्या मंशा है, स्पष्ट नहीं है। मैंने भी जिम्मेदार लोगों को फोन लगाने का प्रयास किया लेकिन अभी बातचीत नहीं हो पाई है। तो और जहां तक वार्ता का दौर है सर, चूंकि 11 वर्षों में हम लोग 11 वर्षों से देख रहे हैं
कई सैकड़ों वार्ता हुई हुआ है। अब डीजी जो मैडम है, जैसा कि साहिद जी कहते हैं और हमने भी इसको महसूस किया है कि डीजी मैडम के अंदर एक खासियत क्या है कि वो सभी की बातों को सुनती हैं, वो प्रयास करती हैं कि सभी को, मतलब पहली बार हमने जो देखा है, मतलब महानिदेशक की कुर्सी, पहले परियोजना निदेशक की कुर्सी हुआ करती थी, अभी भी वो पद है इनके पास, तो पहले के जो अधिकारी थे वो बात सुनते नहीं थे, बात समझने का प्रयास नहीं करते थे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कई बार प्रतिनिधिमंडल में मिलने गया, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अब डीजी मैडम की एक खासियत क्या है, समस्या का समाधान हो या ना हो वो एक अलग विषय है, लेकिन वो बातों को सुनती है, और उनसे जब आप वार्ता करके आएंगे ना, तो आपका दिल दिमाग इतना बल्ले बल्ले हो जाएगा कि आपको को तो लगेगा कि अरे आज तो हम लोगों ने जग जीत लिया। क्योंकि ऐसी कई वार्ता हम लोग कर चुके हैं डीजी मैडम से भी, लेकिन आज तक नतीजा सिफर रहा है। हालांकि हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आज जो संयुक्त मर्द मोर्चा के बैनर तले जो आज बैठक हुई है, ईश्वर इसमें हम लोग को विजय श्री दिलाएं। चूंकि मेरे पास फोन आया था, लेकिन अब वही 12 बजे मीटिंग, 10 बजे फोन, 2 घंटा में संभव नहीं पहुंच पाना। तो हमने अपने लखनऊ के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं सुमित पाल जी, उनको भेजा था। सुमित पाल जी गए थे, अपनी बात उन्होंने पूरी, चूंकि सुमित पाल जी हमारे साथ कई बार वार्ता में गए हैं डीजी मैडम के साथ पास, तो डीजी मैडम उनको जान भी रही थी, पहचान भी रही थी, और उन्होंने कहा कि आप तो कई बार आए हैं वार्ता में, तो उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपने अनुदेशकों की पीड़ा को रखा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक एक अनुदेशक आप जानते हैं, उसको यदि आप पीड़ा बोलने को कह देंगे, लिखने को कह देंगे, तो एक कहावत है ना, सात समद की मसी करे धरती सब बनराई, तो उसी प्रकार अनुदेशकों की पीड़ा है, ये पूरी धरती भी जो है ये कम पड़ जाएगी, और ये पूरा जो जंगल है वो भी, उसकी लेखनी भी कम पड़ जाएगी जब अनुदेशकों की पीड़ा को आप बताने लगे, लिखने बैठे। तो उन्होंने अपनी पूरी बातें रखी। अब जो उन्होंने मुझे बताया उस हिसाब से मैं अपनी बात रख रहा हूं, चूंकि मैं था नहीं, तो मैं बहुत कुछ जो उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने नियमितीकरण पे भी बात किया, तो मैडम ने कहा कि ये तो शासन स्तर का मामला है। अब समझ में नहीं आता है, शासन स्तर का मामला है तो शासन में बात को कौन ले जाएगा, मैडम ही तो ले जाएंगी, मैडम को शासन, चूंकि 29 जुलाई, 12 दिन सिर्फ बचे हैं सर, 12 दिन के बाद 4 साल हो जाएगा, 29 जुलाई 2020 को इस देश में नई शिक्षा नीति आती है, और नई शिक्षा नीति में आप 5.5 में जाएंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अनुदेशकों के जितने जो विषय हैं, अनुदेशक जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे विषय का जिक्र है, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, कला हो, कंप्यूटर हो, कृषि विज्ञान हो, गृह विज्ञान हो, और व्यवसायिक शिक्षा हो, इसको अनिवार्य विषय बनाकर उसके अस्थाई अध्यापक रखे जाने की बात कही गई है। हाँ, उसमें एक और व्यवस्था दी गई है कि आप स्कूल कॉम्प्लेक्स की तरह, मतलब एक अध्यापक 3-3, 4-4 विद्यालय पे जाकर शिक्षण कार्य करे, मतलब एक संकुल के अंदर एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बन जाए, एक संकुल के अंदर वो 2 घंटा वहां, 2 घंटा वहां, 2 घंटा, इस प्रकार की बातें लिखी गई है। तो हमारी भी तो वही डिमांड है, आप हमको जब उसमें लिखा गया है नियमित करने की बात, अस्थाई अध्यापक रखने की बात, और हम क्या मांग रहे हैं, हम तो यही मांग रहे हैं ना कि हमको हमारे ही पद पे उत्तर प्रदेश सरकार नियमित करे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 वर्षों तक यदि कोई संविदा पे कार्य कर लेता है और उसकी योग्यता वही है जो नियुक्ति के समय उसकी योग्यता है, तो उसको अस्थाई करने का ये माने सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और हमारा तो 11 साल होने जा रहा है। तो कहने का मतलब है, और संविदा की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में समाप्त करने की बात कही गई है, तो हमारा तो यही डिमांड है ना कि आप हमको नियमित करिए। और ठीक है, नियमितीकरण की प्रक्रिया में आपको समय लगता है, तो आप समान कार्य समान वेतन पे आइए,
उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है, तो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 28 अगस्त 2017 को इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से जो राजपत्र जारी किया था और उसपे जो 24,000 है आप उसको दीजिए। तो आपने जो नियम बना, हम तो आपके नियम से, और जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है सर, इसमें सिर्फ दो पद है, एक अध्यापक और एक अनुदेशक। सबसे बात करनी है विक्रम सिंह, थोड़ा सा जल्दी, बहुत लंबा मत खींचिए, क्योंकि सबसे बात करनी है। और ये नियम कानून तो रोज करते रहेंगे, आज मुख्य मुद्दा है कि शिक्षा निदेशक से बातचीत हुई, उसमें क्या रहा, क्या आश्वासन मिला, लिखित नहीं मिला है। जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक कोई कंफर्मेशन देना उतना सटीक नहीं है, जब तक कि कोई लिख के ना मिल जाए। उम्मीद है कल लिख के मिल जाएगा। विक्रम सिंह सर, मौखिक वार्ता में और लिखित वार्ता में, और मैंने कहा ना आपको कि महानिदेशक से जब आप एक बार वार्ता कर लेंगे ना, महानिदेशक डीजी मैडम से, तो आपका दिल बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो लिखित आने दीजिए, जब लिखित आएगा, चूंकि हम लोग कई वार्ता कर चुके हैं, 45 मिनट की एक बार वार्ता हुई थी, आपको याद है 27 दिसंबर 2023 को, जब हम लोगों ने लखनऊ के मैदान में इको गार्डन में धरना दिया था, तो डीजी मैडम से 45 मिनट की पुलिस प्रशासन ने, लखनऊ का शासन ने प्रथम वार्ता कराया था। तो वार्ता कई हो, उसके बाद भी लगभग 10 राउंड की वार्ता हो चुकी है, तो लिखित आने दीजिए। और सरकार की मंशा को भी हम बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं, हो सकता है जैसा कि अभी विनय सर कह रहे थे कि 29 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको अटकाने के लिए, लटकाने के लिए, भटकाने के लिए भी हो सकता है बैठक किया गया। तो हालांकि हम लोग सकारात्मक लोग हैं, हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि डीजी मैडम हम लोग के भविष्य को सोचे। भटकाना, लटकाना, भटकाना, अटकाना, ये सरकार और प्रशासन का काम होता है। मैं सीधा मनोज राय जी के पास पहुंचूंगा कि आखिर संयुक्त मोर्चा को कल बिठाना पड़ गया। हमारे साथ विजय बंधु जी भी आ रहे हैं जस्ट, और विजय बंधु के साथ साथ हम सभी उन शिक्षक नेताओं से आज बातचीत करना चाहते हैं, ताकि ये पता लगे कि सही बात क्या है। मैं मनोज जी को थोड़ा सा रोकूंगा, मैं विजय बंधु जी को सुनूंगा। विजय बंधु जी इस समय सफर में और इसीलिए वो आज बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए, वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मैं विजय बंधु जी से कहूंगा, बंधु जी पहले आपको मौका, क्योंकि आप ऑन द वे हैं, मैं मनोज जी को बाद में सुनूंगा। जी आवाज जा रही है विजय जी? जी आ रही है विजय जी। आज का क्या लंबो लुआब रहा, आज आप बैठक में नहीं पहुंचे, बाहर थे, इकाई बैठक बुलाई गई, तो क्या रहा आज की बैठक का? देखिए क्या हुआ कि कल हम लोगों ने जब इस बात को लेकर के बहिष्कार किया, ये संदेश माननीय मुख्य सचिव साहब के यहाँ पहुंचा, और उन्होंने फिर डीजी साहब को बोला कि इनके साथ आप बैठक करके इनकी बात को सुने। और हम लोग को पहले से भी मोर्चे का प्रयास था कि हम लोग वार्ता तभी करेंगे जब ये स्थगित होगा, और हम लोगों ने अपने जो जो हम लोग के सिद्धांत बनाए थे मोर्चे के लोगों ने, उसका पालन किया, और उसी का नतीजा रहा कि आज एक छुट्टी के दिन भी, अवकाश होते हुए भी, डीजी साहब से बैठक हुई। दुर्भाग्य मेरा रहा कि मैं क्योंकि शहर से बाहर था, तो हमने अपने साथियों से कहा कि भाई आप बैठक में शामिल हुई, अपनी बात रखिए, स्थगित होने के बाद अपनी बात रखना है, और संवाद से हम भागने वाले लोग नहीं है, संवाद करेंगे, और संवाद हुआ भी, और काफी कुछ आज सकारात्मक बातें हुई हैं। लेकिन हम लोगों का ये मत है कि अभी जब तक उनके तरफ से कार्यवृत्ति नहीं आ जाती है, क्योंकि उन्होंने मौखिक तो कह दिया, लेकिन क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत सेंसिटिव मामला है, प्रदेश का 6 लाख शिक्षक इस इंतजार में है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हम लोगों को प्रयास हुआ है कि कार्यवृत्ति उनकी आ जाए, तो कार्यवृत्ति के बाद हम लोग कोई चीज बता पाएंगे कि जो बातें हुई हैं उस कार्यवृत्ति में डाली गई, या बस मौखिक ही बातें रह गई हैं। तो इस तरह का बातें वहां चली हैं, हमने अपने साथियों से जो बातचीत की है लबोल हुआ। देखिए एक चीज इसमें मिश्रा जी महत्वपूर्ण है कि अभी भी हम लोग 29 जुलाई के कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पहले से एजेंडा तय था। कुछ विजय सर यहाँ विनय सिंह का एक सुझाव है, उसे सुन लें, जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब संयुक्त मोर्चा का एक लेटर पैड है तो उसी पर आज की जो कार्यवृत्ति दिखाई गई है वो एक जैसा संदेश होना चाहिए, शिक्षक समाज में संदेश चला जाए।
अगर अपने अपने ग्रुप में अपने अपने मैसेज लिखोगे तो संदेश बिखर जाएगा। दूसरा ग्रुप जो आपके खिलाफ खड़ा हो यही तो चाह रहा है कि सबके अलग अलग मैसेज हो, सबके अलग अलग व्यवस्थाएं हो। विनय जी की एक मिनट बात सुन लीजिए, विनय जी फिर हम आगे बढ़ेंगे। विनय जी। बंधु जी नमस्कार, केवल मुझको इतना ही कहना था कि अभी जो कार्यरत वाली बात आपने कही, बात मैंने मिश्रा जी से कहा है कि जो भी बात हुई उस बात का कोई मतलब नहीं जब तक उसका कार्यवृत्त नहीं जारी होता है। जब लिखा पढ़ी में कार्यवृत्त उसका जारी हो जाए, वही सेम बात आपने कही तो हमको यही मैंने उंगली दिखाई कि सही बात जो मैं कह रहा था वही बात आपने रिपीट की, क्योंकि ये बड़े बड़े अधिकारी ये अपने हिसाब से उसको लपेटने प्रयास करते हैं। और मैंने ये भी कहा कि 29 वाला धरना अभी बरकरार रखा जाए, अभी उसके लिए कोई उसके ऊपर निर्णय ना लिया जाए। दूसरी बात मैंने कही कि जैसे मैंने जूनियर शिक्षक संघ का देखा, मैंने प्राथमिक शिक्षक संघ का देखा, मैंने तीसरे संघ का देखा, सबका अलग अलग पैटर्न अपने अपने उसमें जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोर्चा बना है, मोर्चा का पैड है, जो भी लब्बो लुआब हो वो मोर्चा के पैड पे जाना चाहिए। लिखे ये वार्ता हुई, ये बातें हुई, और उस पैड पे जितने लोग वहां उपस्थित थे सबके सिग्नेचर होने चाहिए। ये एक सिस्टम होता है जिससे बिल्कुल सही सूचना पहुंचे। मिश्रा जी नहीं, हमने तो बात हमें तो क्योंकि डिबेट में भी शामिल हुआ, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन जो सच था मैंने उसको कहा कि बातें हुई हैं, लेकिन वो जब तक कार्यवृत्ति आ जाती है तो हमको लगता है ज्यादा ऑथेंटिक होगा, क्योंकि इस समय एक एक खबर एक एक सूचनाएं उस 6 लाख जो शिक्षक है उनके लिए महत्वपूर्ण है और वो इंतजार कर रहा है, उसकी आशाएं मोर्चे की तरफ से है। तो इसलिए कोई चीज जल्दबाजी में या कोई चीज शासन ने फैसला नहीं किया और उसको हम जारी कर देंगे थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, तो थोड़ा धैर्य रखना, शासन तरफ से कार्यवृत्ति आ जाए उसके बाद फिर चीजें आगे बढ़ेंगे। विजय बंधु जी ने बेबाक बात कही कि पहले शासन से हमें एक रुक्का तो मिल जाए, एक लेटर तो मिल जाए, एक पर्चा तो मिल जाए लिखा हुआ, तभी तो हम आगे कुछ चर्चा करें। मिला अभी कुछ नहीं है, अभी आश्वासन, ऐसे आश्वासन ढेरों मिले, ढेरों कमेटियां बनी। आप लोग तो शिक्षक हो, पहले भी आप ये सब करते आए हो, संगठन बढ़ता रहा आगे पीछे चलता रहा, और लेटर कमेटी इन सब का क्या परिणाम रहे सबके सामने। मैं सीधा मनोज जी के पास पहुंचूंगा संक्षिप्त में। मनोज जी, क्या इस बैठक का लपो लुआब आप समझते हैं? जैसे अभी विनय जी ने भी कहा, विजय बंधु ने कहा, तारकेश्वर साई ने कहा कि जब तक कोई ठोस सबूत परिणाम नहीं तब तक 29 का अभियान जारी रहेगा। मनोज जी देखिए सर, नमस्कार आप सभी को। ये सरकारी कार्यक्रम होते हैं, सरकार के तौर तरीके हैं, रोज नामचे लिखा जाएगा, उस पर रिपोर्ट आएगी, नीचे वाला अधिकारी जो है रिपोर्ट देगा, वो सारा सिस्टम है, उसके तहत ये काम हो रहा है। मुख्य चीज क्या है कि हमको लिखित में कार्यवृत्त के रूप में प्रमाणित कॉपी मिल जाए, नंबर एक। नंबर दो, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जिसपे हम बार बार चर्चा करते रहते हैं। फैक्ट तो ये है कि हमारे संख्या बल ने, हमारे प्रदर्शन ने सरकार को, शासन को बैकफुट पे किया है। हमको सुना गया माने हमारा इंपॉर्टेंस है। अब उसको हमारे जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो वार्ता के क्रम में कितना कैश करा देंगे। प्रदेश स्तर के नेता, अब जैसे बात हो रही थी, मैं सुन रहा था विक्रम जी को, विनय जी को, तो एक दो चीजें तो खटकती है ना। प्रदेश स्तर के हर नेता की यह जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, जब उसको पता है कि जनपद में धरना के बाद प्रदेश में वार्ता होनी है तो उसको प्रदेश में रहना चाहिए। विक्रम सिंह जी अभी तक नहीं पहुंच पाए, आपकी बात विक्रम जी दूसरा नहीं रख सकता, वो आपको ही रखना होगा, और ये तैयारी हमको पहले से रखनी चाहिए थी। चलिए जो हुआ सो हुआ, आगे जो होगा अच्छा होगा। हम संयुक्त मोर्चे में हैं, एक साथ हैं, ये मैसेज सरकार में बना हुआ है। एक प्रकरण विनय जी ने उठाया, हम भी जिले में नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, जिले के भी हमारे ग्रुप्स हैं उसमें भी ये बातें चल रही हैं, कोई उनकी तारीफ कर रहा है, कोई अपनी तारीफ कर रहा है, कोई अन्य तरह की बात कर रहा है। लेकिन देखिए, ये संयुक्त मोर्चा है और इसमें कुछ चीजें होंगी। हमारी आर्मी है, हमारा एयरफोर्स है, हमारा जल पुलिस है, जल सेना है, नेवी है, तमाम यूनिट्स हैं,
और सबके अपने झंडे हैं, सबके अपने लोगो हैं, सबके अपनी बोली है, सबका अपना नारा है, लेकिन जब जनरल आता है तो सब एक साथ हैं। तो हमारे प्रदेश नेतृत्व का जनरल जब आएगा हम सभी एक साथ हैं। थोड़ा बहुत चलता रहता है, देखिए मनुष्य है, मन नहीं मानता। जो लेखक है, जो अपने उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के लिए रोज तीन तीन पेज का लेख लिखा है, उसकी अंगुलियां नहीं मानती हैं। वो पूरा प्रतिवेदन लिखता है, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसकी आदत पड़ी है, वो नीचे लिखेगा अपने जिला अध्यक्ष का नाम और अपने संगठन का नाम। ये अटेवा भी करेगा, ये महिला शिक्षक संघ भी करेगी, हमारे विशिष्ट बीटीसी वाले भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तमाम साहिब जी लिख के भेजते हैं और लोग लिख के भेजते हैं, मैं बस नीचे अपना नाम बदल देता हूँ, मनोज कुमार राय, और मैं भी चला देता हूँ। क्योंकि देखिए अपना झंडा भी तो है, अपना डंडा भी तो है, हम संयुक्त रूप से हैं, और ये मैसेज सरकार को जा चुका है। मिश्रा जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं साई जी के पास पहुंचूंगा, उसके साथ साथ लगातार मैं संपर्क में हूं के त्यागी जी और तिवारी जी भी जुड़ जाएं, और शायद वो नेटवर्क इश्यू के चलते नहीं जुड़ पा रहे हैं। तिवारी जी तो कई बार जुड़ चुके हैं लेकिन वो नेटवर्क इश्यू में उनका वीडियो लाइव नहीं आ पा रहा है। तारकेश्वर जी, लड़ाई कहीं लड़ो लेकिन एक होने चाहिए। जब हम कहीं जाएं तो भीड़ दिखनी चाहिए, भीड़। विनय जी से ही पूछ लेते हैं, विनय जी मोर्चा एक रहे और जब तक मांगे पूरी ना हो मोर्चा जो ऐलान कर दे उसमें पीछे ना हटे, ये प्रमुखता से होना चाहिए। विनय जी बिल्कुल 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 आप जो कह रहे सही कह रहे, मैंने यही बात रखी कि हर तरफ लोग जो विरोधी लोग हैं वो फन काढ़े बैठे हुए हैं, तो जब मोर्चा इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतना अच्छा उसका नॉलेज सरकार में अच्छी पहुंच गई है, तो आज जो भी वार्ता हुई है मोर्चे का पैड रहता उसके ऊपर लिखा जाता सारी आज बातें ये हुई हैं, फिर भी हम लोग इंतजार कर रहे कार्यवृत्त का। जब कार्यवृत्त जारी होगा तो मैं पूरी बात स्पष्टता से कह पाऊंगा, और उसके नीचे सब लोग अपने अपने सिग्नेचर करते हैं, एक सीधा एक मैसेज जाता सीधा। अब ग्रुपों में अलग अलग चल रहा, हम लोग भी संयुक्त संघर्ष संचालन समिति में है, उसमें शिक्षक भी है, कर्मचारी भी है, सब कुछ है, हम लोग कभी अपना अलग मैसेज नहीं देते हैं। जो भी हम लोग की वार्ताएं शासन में होती है, जो भी हुआ एक कॉमन मैसेज बनता है, और वो मैसेज सब लोग देख देते हैं, भाई ये वार्ता हुई, जो वार्ता होती है एज इट इज उसको हम लोग संयुक्त संघर्ष संचालन समिति पैड पर लिखते हैं, लिखने के बाद सबके सिग्नेचर होते हैं, वायरल हो जाता है। कभी इस तरह की चर्चा परचर्चा, वो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, कुछ हुआ नहीं होगा कुछ होगा, ये ग्रुपों में जो मनोज जी कह रहे हैं, मनोज जी सही कह रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि ग्रुपों में चल रहा है। वही एक मैंने एक अपना सुझाव दिया कि भाई मोर्चा एक है तो मोर्चा में कम से कम आगे भी जो भी कार्यक्रम हो जो भी हो तो एक मोर्चे का पैड बना हुआ मैंने देखा है, पैड उसी पैड पे ही सब कुछ लिख के जाए, कम से कम इसका एक अच्छा असर जाएगा। एक इससे ये दिखाई पड़ सब एकजुट है और ये एकजुटता को जल्दी हिलाया नहीं जा सकता है, और इससे क्या होगा कि भाई महिला शिक्षक संघ की जो थी वो किनारे खिसक गई, देखा ही हो कल उनके दूसरे अपोजिट ग्रुप के साथ वार्ता की, तो लोग ये लगता है कि मोर्चा भी अभी बना अभी बिखर नहीं रहा। जब आप अपने आप से थोड़ा सा दिमाग एक व्यक्ति को लगा लेता कि मोर्चा के पैड पे जो जो वार्ताएं हुई थी वही वही बातें टाइप होती, सारे जो संयोजक उस पर सिग्नेचर करते इतने लोग थे वो जारी हो जाता, क्या दिक्कत थी, एक बढ़िया मैसेज जाता। मेरा मात्र इतना ही कहना था मिश्रा जी। मिश्रा जी सीधा साही जी के पास पहुंचूंगा, साही जी तब नहीं हमसे बात कर पाए, मैं थोड़ा सा विक्रम सिंह से, तब तक साही जी किसी से बात कर रहे हैं फोन पर, मैं थोड़ा सा विक्रम सिंह से एक सवाल पूछूंगा। विक्रम सिंह, लगातार शिक्षक अब अनुदेशक और शिक्षा मित्र की बात कर रहे हैं, तो ये गठजोड़ टूटना नहीं चाहिए, इसे और मजबूत बनना चाहिए। एकदम सर, हमें याद आती है अकबर बीरबल की एक कहानी है जिसमें एक बार बीरबल कहते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। तो ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस जो आया है, हम तो यही कह रहे हैं कि जो होता है अच्छा होता है, हो सकता है इसी के विरोध के नाते हम अनुदेशक शिक्षा मित्रों का कुछ भविष्य तय हो जाए, तो हम तो आशा और विश्वास करेंगे कि यही ऑनलाइन अटेंडेंस हो सकता है अनुदेशक का भविष्य को काफी हद तक सुधार दे, क्योंकि हम लोग बड़ी पॉजिटिव लोग हैं। और हम तो साई जी को धन्यवाद देंगे, आदरणीय विनय सर को धन्यवाद देंगे, आदरणीय क्या नाम है, कल बंधु सर का फोन आया था, बड़ा अच्छा लगा जब कल बंधु सर का फोन आया,
और इन्होंने कहा कि मित्र मैं सिर्फ दो बात आज करूंगा, एक अनुदेशक शिक्षा मित्र और बाद में मैं ऑनलाइन, दो बात ही आज मैं करूंगा, आज मैं ओपीएस की बात नहीं करूंगा। मतलब भाई बड़े भाई के दिल में छोटे भाइयों के प्रति की छोटे भाइयों का सम्मान वापस हो जाए इस विभाग में काफी अच्छा लगता। मैंने देखा था विनय सर से जब S4 की बैठक थी, विनय सर कितनी मजबूती से हम लोग की बात वहां पे मीटिंग में रख रहे थे। और मनोज राय सर का जो अभी आदेश निर्देश आया है, सर आपके आदेश निर्देश का हम लोग पालन करेंगे। चूंकि सर हम लोग बड़े छोटे तो लखनऊ में रुक पाना हम लोग के थोड़े बस की बात नहीं हो पाती है, बड़े खर्चे हो जाते हैं। हालांकि आपकी बात का सिरोधार है और आप बड़े भाई हैं, आपका हमेशा आदेश निर्देश जो भी मिलेगा आप लोग का हम लोग करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं हम तो आशा करेंगे, हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं सर, पहली बार कोई ऐसा संगठन उत्तर फोन से ही बता, शिक्षक भी लिखा है, शिक्षा मित्र भी लिखा है और अनुदेशक भी लिखा है। पहली बार इस देखने के लिए आग तरस गए थे सर 11 वर्षों से, कहना फोन से देखने के लिए आग तरस गए थे 11 वर्षों से कि पहली बार किसी संगठन शिक्षक लिखा है, शिक्षा मित्र लिखा है, अनुदेशक लिखा है। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे इस सभी संयोजक मंडल के लोगों को और सबसे ज्यादा धन्यवाद आदरणीय शाही जी को देना चाहेंगे, तारकेश्वर शाही जी को, कि आपके कोषाध्यक्ष दिलीप चौहान जी ने मुझे फोन किया था कि आप भी इस मीटिंग में आइए। तो हम लोग तो वो कहावत ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो हम लोग को तो बहुत तिनका नहीं, ये बहुत कुछ मिल गया है और हम लोग पूरा भरोसा करेंगे और पूरा जी जान लगा देंगे। आप 29 का कार्यक्रम करिए, हम लोग पूरा जी जान लगा के उत्तर प्रदेश का एक एक अनुदेशक लखनऊ में महानिदेशक कार्यालय पर पहुंचने का कार्य करेगा सर, क्योंकि तो अनुदेशकों के पास खोने को कुछ बचा नहीं है, अनुदेशक सब कुछ अपना खो चुका है। अब आप लोगों के माध्यम से, आप अग्रजों के माध्यम से, आप बड़े भाइयों के माध्यम से, आप अभिभावकों के माध्यम से हम अनुदेशक की नैया पार लग जाए जिससे हम अपने बच्चों का जीवन यापन कर सके। सर हम लोग का तो जीवन ने इस सरकार ने बर्बाद कर दिया, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस सरकार ने एक एक अनुदेशक ग्रेजुएशन के बाद सबके पास एक एक तकनीकी शिक्षा है, टेक्निकल डिग्री है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश, और मैं अभी कह रहा था आपने जब बीच में मुझे रोका था, ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है सर, इसमें सिर्फ दो पद है, शिक्षक और अनुदेशक। तो हम तो भारत सरकार के कानून के द्वारा आए गए ना, तो फिर हमारे, और कहीं भी उसमें संविधान की बात नहीं लिखी गई है, कहीं भी संविदा की बात नहीं लिखी गई है, वो जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जहां अनुदेशक लिखा गया है। ये तो कहां गलती हुई, कहां फॉल्ट हुआ, हम उस फॉल्ट में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ कहीं ना कहीं जागती हुई है, हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। और ये जो बीपीएड के लोग हैं सर ना, 2008 तक हमारी भर्ती सहायक अध्यापक की तरह होती थी, तो कहीं ना कहीं, और हमें याद है जब इस देश के प्रधानमंत्री जी यही उत्तर प्रदेश में मेरठ विश्वविद्यालय का खेल, मेरठ खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने आए थे, और उसमें कहा था, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि हमने खेल को और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बना दिया गया है, अनिवार्य विषय बना दिया है सरकार ने। तो हम तो मोदी जी आपकी बातों को, मैं तो गया था एक बार जब मुलाकात करने, अपर्णा यू मैडम है जो सचिव मैडम है, मैं ले गया था मोदी जी का ट्वीट और कहा मैडम ये देखिए ये मोदी जी का ट्वीट है, इस देश के प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है। मैं ले गया था योगी जी का वो फोटो जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए, तो मैं तो लेके जाता हूं, जब भी वार्ता होती है हम इसको लेके जाते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि हमारे साथ जितना अन्याय हुआ है शायद इस धरती पर किसी के साथ इतना अन्याय हुआ होगा। और हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे संयुक्त मोर्चा के साथियों का कि जितना आप लोगों ने हम लोगों के, ये जो हमने तो आग्रह किया था, साई जी थे, मनोज राय जी थे, ये विनय सर थे, कि सर अनुदेशकों के जीवन को बचा लीजिए। मुझे याद है मैंने इसे निवेदन किया था, मैंने भावुक होकर आप लोगों से कहा था कि सर प्लीज
अनुदेशकों के जीवन को बचा लीजिए। और हमें लगता है साई जी और मनोज राय सर और साई जी और विनय राय सर ने इस बात को समझा और इस बात को समझ के उन्होंने कहीं ना कहीं हम लोगों को ये जो संयुक्त मोर्चा है उसमें शामिल करवाने का कार्य किया। तो हम तो 27,555 अनुदेशक जो सरकार कहती है सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन हमारी आंकड़ा 25,213 है और 25,213 परिवार की ओर से हम कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार ज्ञापित करते हैं। विक्रम सिंह हमारे साथ योगेश त्यागी जी जुड़े हुए हैं, चूंकि उनका नेटवर्क वो ऑन द वे है, लखनऊ में मीटिंग करके घर के लिए निकले हैं तो फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो मेरी बात उनसे फोन से हो रही है। त्यागी जी आज क्या रहा, आज की बैठक का मुख्य बिंदु क्या था, क्या शिक्षा निदेशक ने कहा, बैठक में अनुदेशक शिक्षा मित्र और शिक्षक को लेकर क्या बातचीत हुई? आज क्योंकि कल हम लोगों को बैठक के लिए बुलाया गया था लेकिन हमारी सब टीम आंदोलन है उसके बारे में उनसे बात करिए, उसके मामा को बिता के अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखा, हर निर्देशक महत्वपूर्ण सकारात्मक स्थिति से बात करी और जो भी हमारे बिंद थे उनसे उन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो हमारे स्तर के हैं उनको हम तत्काल निखारित कर देंगे और जो शासन स्तर पर या कैबिनेट स्तर के प्रोग्राम है उनपे उस स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। तो हमारा स्पष्ट सुझाव थे कि अगर व्यक्ति के सामने रखा जाएगा तो उन्होंने किस कमेटी की बात भी कही, तो मैं कमेटी में अगर ये बात रखी जाएगी तो मेरा पहला प्रस्ताव ये है कि उस कमेटी में अध्यक्ष अथवा महामंत्री को शामिल किया जाए, इस पर सहमति बनी और सहमति बनने के बाद उन्होंने वो नाम मुख्य सचिव को भेज दिया है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है बिहार के घटक मोर्चे के लोग जो अधिकारी है उसे जो मेंबर होंगे तो अपनी बात को वहां रखने का आंदोलन है उसके लिए हमने अभी ऋण किया है पूरे आंदोलन रन कर रखे हैं और कार्यवृत्ति को देखने के बाद में मंत्री निर्णय ने त्यागी जी अनुदेशक और शिक्षा मित्र को लेकर कुछ चर्चा और शिक्षा मित्रों ने तो समस्या को रखा ही स्वयं अपनी समस्या को रखा, उस पर महानिदेशक महोदय ने कहा जैसे समस्या अनुदेशकों ने भी रखी है शिक्षा मित्रों ने भी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों कहा मेरे स्तर का प्रभाव है मैं इस पर बहुत जल्द इसको प्रोत्साहित कर दूंगी, मैं कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता मानदेय जी चलिए त्यागी जी मैं तो इस बात को आपको धन्यवाद दूंगा, आपके संयुक्त मोर्चा को धन्यवाद दूंगा कि अगर अनुदेशक शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ जाए, अध्यापक का डिजिटल यानी ऑनलाइन हाजिरी से फिलहाल दूरी बने और साथ में शिक्षकों के साथ सौहार्दपूर्ण करेगा
चलिए बहुत धन्यवाद आपको कि आपकी बैठक सकारात्मक रही। चूंकि नेटवर्क इशू रहा तो आप मेरे साथ सीधे नहीं लाइव जुड़ पाए, अगर लाइव जुड़े होते तो और इस बार बातचीत का फायदा मिलता। लोग जानना चाहते हैं कि हाँ। और त्यागी जी, तो ये मान लिया जाए कि ऑनलाइन जो हाजिरी थी वो फिलहाल स्थगित है अग्रिम आदेशों तक। अच्छा, आपके पास मैसेज आ गया, मैडम का मैसेज आ गया है, तो मैसेज क्या हमें मिलेगा जिससे हम दर्शकों को बता सकें? चलिए धन्यवाद आपका, और आप ऑन द वे हैं, ऐसे ही शिक्षकों के लिए लड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। संतोष तिवारी जी, आप अपना माइक कैमरा ऑन कर लीजिए। संतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष तिवारी जी कैमरा ऑन करिए, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। नेटवर्क इशू आ रहा है इनका भी, पता नहीं आज हम चाह रहे थे कि दर्शक और शिक्षक समझ सके उनके साथ क्या क्या हुआ है और समस्या वही नेटवर्क। इसे भी मोबाइल पे बात कर लीजिए सर, मोबाइल पे बात कर लीजिए इसे भी, दिक्कत आ रही है इनको भी, ये भी घर पे नहीं है, घर पे भी नहीं है। और पांडे जी से भी देखिए मोबाइल से बात कर लीजिए, वो भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो पांडे जी से जरा कहिए, उनका फोन नहीं लग रहा मेरे फोन से, एक बार आप बात करिए तो मैं उन्हें फोन से ले लूंगा, फोन से बात कर लूंगा। मैं आपको नंबर दो नंबर भेजा हूँ आपके पास, दूसरा नंबर लगाइए। नेटवर्क की ये स्थिति है मिश्रा जी, नेटवर्क की ये स्थिति है, नेटवर्क की स्थिति देखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस देना था इसी में। जी तिवारी जी, मैं आपसे फोन से बात पूछ लेता हूँ, वो नेटवर्क इशू आ रहा है और आप जुड़ नहीं पाओगे, तो मैं नेटवर्क है। हाँ, तो बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। बैठक में क्या रहा, आज की बैठक थी जो संयुक्त मोर्चा की, कल आपने बहिष्कार कर दिया था, आज आपको फिर बुलाया गया, तो क्या रहा बैठक में? कल मोर्चे का जो अल्टीमेटम था, पहले ऑनलाइन अटेंडेंस है वो जो आदेश है उसको पहले वापस लें, उसके बाद हम बात करेंगे। मोर्चे के दबाव में ये निर्णय हुआ कर रहे, उसके बाद मुख्य सचिव ने डीजी महोदय को बताया कि इन लोगों के मोर्चे के साथ बैठक करिए, उनकी जो बिंदु है इनकी बिंदुवार की समीक्षा करिए, क्या हो सकता है इनकी समस्याओं का निदान। हम लोग बैठक में सभी मोर्चे के पदाधिकारी जो लोकल में थे और आस पास जिलों के थे, प्रमुख लोग पहुंचे हैं और एक एक बिंदु पर वार्ता हुई है। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें उन्होंने सर्वेक्षण की बात की है, एक तो आप की दिक्कत होगी, उसका उन्होंने कहा कि हम निर्धारण करेंगे पीएल जो हम लोग डिमांड कर रहे थे राज्य कर्मचारियों की बात थी, तो उन्होंने कहा देखिए ये हमारे तक का मामला नहीं है, ये जो कमेटी बनी उसमें हम फॉरवर्ड करेंगे। और एक जो था सबसे महत्वपूर्ण, जो हम लोगों मेडिकल सुविधा नहीं थी, कर्मचारियों की, शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों की ये व्यवस्था नहीं थी, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज निकल के आया कि क्योंकि जो मेडिकल सुविधा है उसपे एक अभी उत्तराखंड में एक आदेश है जिसमें आयुष्मान जैसे पॉलिसी है, लेकिन आयुष्मान 5 लाख तक का है, वहाँ शिक्षकों को जोड़ा गया है, मतलब विदाउट पे, मतलब जैसे अभी पॉलिसी आई थी कि शिक्षक उसकी सहायता देंगे उसके बाद उसका लाभ मिलता था, लेकिन अब जो पॉलिसी बनाने जा रहे हैं उसमें मतलब कैशलेस, कोई पैसा शिक्षक को नहीं देना है, न शिक्षा मित्र अध्यक्षों उनको भी उसमें जोड़ने की प्लान बनाया है। तो सबसे महत्वपूर्ण एक जो मेडिकल सुविधा हमारे यहाँ बेसिक में नहीं थी उसके आज सहमत बनी है, ये कार्य करेंगे। और जो प्रतिकर अवकाश,
फिकर यानी जो हमारे टीचर छुट्टियों में बुला लिए जाते थे उनका प्रतिकर अवकाश की व्यवस्था ये विभाग हमारा करेगा। और इसके साथ साथ और बिंदु हैं जो काफी बिंदु हमारे सात बिंदु थे, सात बिंदुओं में कई पॉइंटों में बिंदु थे तो उसपे सबसे काफी विस्तृत चर्चा हुई है। मिला के यदि वार्ता हुई है अभी तो मौखिक वार्ता हुई है, लेकिन मोर्चे ने स्पष्ट बता दिया है कि जो मौखिक वार्ता थे जो कुछ आश्वासन पे हमारा मोर्चा वापस नहीं आएगा जब तक जो आप आज आश्वासन दिए हैं लगभग हमारी समझ में 60% मांगों को तो उन्होंने कहा हम को हल कर देंगे। कुछ और जो टेक्निकल है दिक्कतें विभाग वित्त विभाग वहां जाएंगे पहले तो उसपे उन्होंने कहा प्रशासनिक स्तर पे इसको हम जो अभी कमेटी बनी उसमें फॉरवर्ड करेंगे तो लगभग 60% मांगों पर सहमत बन गई है। तो हम लोग कहा थे देखिए इसको जो आप मौखिक बता रही हैं उसको रिटेन में हमको चाहिए और रिटेन में जब तक नहीं हमें कोई आदेश मिलता है सहमति तब तक पूरी भी मोर्चा जो हमारे सभी मोर्चा के संयोजकगण है उन्होंने निर्णय लिया है 26 का जो जुलाई है 29 जुलाई का जो हमारा कार्यक्रम है महानिदेशक कार्यालय पर वो यथावत रहेगा वापस नहीं होगा। चलिए तिवारी जी आपने हमें जानकारी दी और बेहद जरूरी थी कि प्रत्येक जानकारी जाए शिक्षक बेहद परे जी और आपको बताने शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के माइक में काफी आज चल के आया है बनाई जा रही है ट्रांसफर की सहमति बनी है ट्रांसफर जो अनुदेशक शिक्षा मित्र थे ये जैसे कोई महिला की शादी हो गई और दूसरी जगह पहुंच गई अब उसको ट्रांसफर लेना है वो तो ससुराल में है तो मई के पोस्टिंग है तो वहां से आने जाने में बड़ी दिक्कतें रहती थी उसमें महिला के साथ पुरुष को भी वरीयता दी जाएगी जो उनको निकटतम या कितना जो ग्राम में पोस्टिंग दी जाएगी। पॉलिसी बन रही है उसमें प्रयास किया जाएगा कि सबको समायोजित करके अपने ग्राम में अगर मान लेते हैं किसी महिला का ग्राम में पहले ट्रांसफर हो गया है या नियुक्त हो गई है तो आप पद नहीं खाली है तो ग्राम के या उसके निकटतम ग्राम में उसके पोस्टिंग की जाएगी। तिवारी जी क्या क्या ये पॉलिसी अंतर जनपदीय लागू होगी जो लगातार अनुदेशक और शिक्षा मित्रों में चर्चा है कि अंतर जनपदीय होगी? हाँ ये अभी देखिए तो आज वार्ता हुई है जनपद के अंदर की बात सहमति और अंतर जनपदीय की बात अभी नहीं सहमत बनी है। अंतर जनपदीय के उनका कहना था ये पॉलिसी मैटर है अंतर जनपदीय पे नहीं सहमत है जिले के अंतर की बात हो रही है और अंतर जनपदीय ट्रांसफर की जो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का है ये जो हाई कमीशन पार्टी जो नियुक्ति बनी है उसपे इसको फॉरवर्ड करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो दो तीन पॉइंट पे बात हुई है एक और बड़ी अच्छी बात है कि इसका मेडिकल अवकाश की बात होती जैसे जून में 11 महीने का मित्रों का अवकाश 11 दिन का मिलता था जून में इनकी पॉसिबिलिटी जून में अगर कोई दिक्कत आती है तो इसको कोई अवकाश नहीं मिलता था उसपे भी हमने कहा इस पे हम विचार करेंगे कोई रास्ता निकालेंगे जून में 15 उसमें भी अवकाश देना है तो उसके अवकाश मतलब कई बिंदुओं पे शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को भी काफी जो वहाँ प्रतिनिधि बैठे थे काफी संतुष्ट थे आप लोग भी संतुष्ट हैं। लेकिन जो और बिंदुओं पे जो संतुष्टि है हम लोग काफी संतुष्ट थे लेकिन केवल मौखिक हुआ है आश्वासन लेकिन हमने स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया गया है जो बात आप मौखिक की है वो रिटेन में हम लोगों से चाहिए जो भी कार्यक्रम जारी करें किन बिंदुओं पर आप सहमत बनाए कि किस कितने दिन में इसको लागू करेंगे इसके बाद ही जो हमारा उनके सब्जेक्ट का राजधानी लखनऊ प्रदेश व्यापी धरना है तभी वापस किया जाएगा। चलिए तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए नेटवर्क इशू के चलते आपका आभार। चलिए कल बात करेंगे बिल्कुल आपसे और विस्तृत बात करेंगे। शिक्षकों को इंतजार रहेगा। मैं सीधा हमारे साथ शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव जी जुड़े हुए हैं मैं पहले उनसे सवाल कर लूं। आपका आभार तिवारी जी धन्यवाद। सुशील जी आज क्या रहा बैठक में क्या रहा लबो लुहाब आज की बैठक का? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी और हमारे साथ में जुटे हमारे जितने भी संगठन के साथी हमारे वरिष्ठ बड़े भाई
हमारे साथ डिबेट में हैं, सबको सादर प्रणाम। विनय जी हैं, विक्रम जी हैं, बारी जी थे अभी चले गए हैं, और भी जितने भी साथी हमारे साथ हैं सबको धन्यवाद। और आपके चैनल को देख रहे सभी सम्मानित शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, कर्मचारी साथी, देखिए कल की बैठक ठुकराने के बाद आज जो बैठक हो रही थी उसमें जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा बना है, और एक बार और मैं विनय जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी संयुक्त संघर्ष मोर्चे का समर्थन किया है और हमारे सभी कार्यक्रमों में साथ रहेंगे, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देता हूं। तो उसमें यही था कि संघर्ष मोर्चे के जितने भी घटक संगठन है सभी के एक एक पदाधिकारी वार्ता में रहेंगे, तो उसी के तहत आज सारे लोग गए थे। और आज की बैठक वास्तव में बैठक तो अच्छी हुई है, लेकिन जैसा संतोष तिवारी जी कह रहे थे जब तक लिखित कार्यवृत्ति न जारी हो जाए तब तक तो ऐसी बैठकें बहुत हुई हैं और हम लोग आदि हो चुके हैं बैठक कर करके। पिछली बार कमेटी बनी है, दिनेश शर्मा जी के साथ हम लोग बैठे जिसमें शिक्षा मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, तमाम चीजें थी, तमाम अधिकारी थे। उस कमेटी का फैसला आज तक लागू ना हुआ। दूसरी बार कमेटी बनी 18 अक्टूबर के बाद, 3 बैठकें कमेटी की हुई, 4th बैठक हमारे साथ हुई, फिर कमेटी की बैठक हुई, प्रस्ताव बना, प्रस्ताव गया शासन तक, लौट के आया, प्रस्ताव की कॉपी भी अभी तक हमको नहीं उपलब्ध कराई गई, ना तो उसकी कार्यवृत्ति जारी किया था। और आज की बैठक की भी अगर कार्यवृत्ति नहीं जारी करते हैं तो उसको हम कैसे मानेंगे मिश्रा जी, उसको कैसे हमारे शिक्षा मित्र मानेंगे। तो जब तक कोई चीज लिखा पढ़ी में नहीं होती है, जैसे आज की बैठक भी थी तो आज की बैठक भी टेलीफोन के द्वारा बुलाया गया था और लिखित में कोई उनका निर्देश नहीं था अधिकारियों का, तो लिखित में बैठक हो इधर वो कनेक्टेड है लिखित में बैठक हो और लिखित में इसकी कार्यवृत्ति जारी हो और इस कार्यवृत्ति में महानिदेशक महोदया द्वारा बताया जाए कि जिन जिन मुद्दों पर सहमति बनी है वो कितने दिनों में उसका शासनादेश जारी होगा, तब तो जाकर के हम लोग मानेंगे, तब जाकर के हमारे शिक्षा मित्र जो परेशान है 7 से एक एक पैसे के लिए मोहताज है, 70-80 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, हम एक साल से सुन रहे हैं कि हमारा मूल विद्यालय होने वाला है, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन शासनादेश अभी तक जारी नहीं हुआ। आज ही मैडम ने कहा कि जैसे आप लोग चाहते हैं उस तरह से करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन के आधार पर करेंगे। पूरा डिटेल संतोष तिवारी जी ने बताया है कि महिलाओं को नहीं छेड़ा जाएगा अपने विद्यालय से, जहां पर वो अगर सही है, जिस विद्यालय में वो पहुंच गई अपने पति के पास, तो उनको हटाया नहीं जाएगा। यदि पुरुष साथी हमारा उसी विद्यालय में जाना चाहता मूल विद्यालय में, जगह नहीं है, तो उनको हमने सजेशन दिया है कि आप उसी ग्राम पंचायत के दूसरे प्राथमिक विद्यालय में उसको समायोजित कर दीजिए, लेकिन ये 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर जा करके 10,000 में आप क्या चाहते हैं, किसी की जान लेना चाहते हैं, 200 रुपए का पेट्रोल लगता है प्रतिदिन, 100 रुपए बचना है, अगर आधा घंटा रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गई, लेट हो गया, तो वो अब्सेंट हो जाएगा। ये सब चीजें विसंगतियां हैं, आप इनको दूर करिए। हम कौन सा डिजिटल का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप हमको सुगम व्यवस्था तो दीजिए, शिक्षक को घर के पास 10 किलोमीटर पे आप तैनात करिए, शिक्षक आधा घंटा पहले पहुंचेगा, आप आधा घंटा बाद का मत दीजिए जो आधा घंटा समय दे रहे हैं, शिक्षक आधा घंटा पहले पहुंचेगा, शिक्षा मित्र पहुंचेगा, शिक्षण कार्य करेगा, गैर शैक्षणिक कार्य से हमको मुक्त करिए। आप देख लीजिए विद्यालय में जा करके आज 1 से 1.5 घंटा शिक्षक जो है मिड डे मील बनवाने में, मिड डे मील की सूचना देने में, रजिस्टर बनाने में, दुनिया भर के काम मोबाइल से सूचना बीआरसी में देने के लिए, संकुल को देने के लिए, बीओ को, एआरपी को, सबको देने के लिए, जब शिक्षक यही सब काम करेगा तो विद्यालय में पढ़ाएगा कैसे। अप्रैल से सत्र शुरू हुआ, किताबें अभी नहीं पहुंची, डीबीटी का काम शिक्षक को करना है, अरे इसके लिए बाबू तैनात करिए, हम लोग तो पढ़ा भी रहे हैं, इतने काम भी कर रहे हैं, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपका शिक्षक केवल पढ़ाता ही नहीं, पढ़ाने के साथ साथ कितने गैर शैक्षणिक कार्य करता है। इन सब बातों को लेकर के चर्चा हुई है और शिक्षा मित्रों का उन्होंने मूल विद्यालय वापसी के लिए सहमति जताई है कि 15 दिन के अंदर हम इस पर प्रस्ताव करके और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा देंगे। दूसरा हमारा स्थायीकरण का मुद्दा था, हमारा समान कार्य समान वेतन का मुद्दा था, तो उन्होंने कहा है कि यह जो टेक्निकल कमेटी बनेगी ये उसका मामला है, वो इस पे एक्सपर्ट लोग अन्य राज्यों की तरह, हमने उत्तराखंड, राजस्थान, अन्य राज्यों का बताया उनको, उन्होंने कहा इस पर वो चर्चा करेंगे,
तब तक के लिए तत्कालिक रूप से हम मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव शिक्षा मित्र निदेशक का हम सरकार को भेजेंगे। ये बात उन्होंने स्वीकार की है, लेकिन हम चाहते हैं यही बात वो लिखित में हम लोगों को जारी करें, तब जाकर के हम आगे कार्यक्रम करने पर विचार करेंगे। नहीं तो हमारा जो कार्यक्रम जारी है 25 जुलाई को श्रद्धांजलि समारोह, 29 जुलाई को घेराव और 5 सितंबर को लखनऊ में शिक्षा मित्र कार्यक्रम है, वो कतई होगा और लाखों की संख्या में होगा जब तक लिखित रूप से कुछ हम नहीं मिलता, क्योंकि ऐसी बैठकें कई बार हुई है और हम लोग हमेशा ठगे गए हैं। बात ठीक कह रहे हैं सुशील जी कि हर बार ठगे तो गए ही हैं, और इसी ठगे के चक्कर में शिक्षा मित्र अनुदेशक सबके सब परेशान हैं। सुशील यादव से कुछ नेटवर्क इशू आया है, जल्द हमारे साथ फिर होंगे, तब तक हम सीधा एक बार दिलीप चौहान जी को सुनेंगे। दिलीप चौहान जी जरा कैमरा ऑन करिए, वो भी बैठक में सम्मिलित थे, फिर विनय जी के पास आएंगे, एक एक कर सबकी बात सुन ली जाए। विनय चौहान जी, दिलीप चौहान जी, जी दिलीप चौहान जी, मिश्रा जी नमस्कार, बैठक का जी नमस्कार, क्या रहा आज की बैठक का? नमस्कार, नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। हेलो, हमारी बात आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज? आवाज क्लियर नहीं आ रही हमारे पास तो। आवाज आपकी आ रही है, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है। आज जो बैठक हम लोगों की हुई, हम लोगों की जो बैठक आज हुई है वो बहुत ही सकारात्मक रही। हमारे संयुक्त मोर्चा के सभी घटक संगठन के प्रदेश पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे और हम लोगों ने बारी बारी से जो हमारी मांगे हैं उन पे विधिवत चर्चा किया है। एक एक बिंदु को हम लोगों ने दो दो तीन तीन बार उठाया है और उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे उसका समाधान निकल सकता है, ये डीजी मैडम से बात हुई। डीजी मैडम ने भी आश्वासन दिया कि ये जो जो भी है समस्याएं, मान लीजिए आपकी हाफ डे सीएल की बात हो रही है, हाफ डे सीएल पे उन्होंने कहा कि हम ये कैसे श्योर करेंगे कि कोई अध्यापक दोपहर में आता है मान लीजिए, तो अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो अगर उसको मोबाइल से आप देते हैं कि हमको हाफ डे सीएल चाहिए, तो हम ये कैसे श्योर करेंगे कि आप विद्यालय में आ गए। तो उस पर भी बात हुई कि भाई आपका जो अधिकारी है, जो बीओ है, जो वहां का प्रधानाध्यापक है, वो ये वेरीफाई करे कि वो हमारे विद्यालय में आ चुका है। इस तरीके से जो उपार्जित अवकाश है उसके बारे में चर्चा हुई, शिक्षा मित्रों के अंदेशकों के मानदेय के बारे में जो बहुत ही अल्प है उसके बारे में चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी मैटर है वो सरकार ही कर सकती है, बाकी जो हमारे स्तर से है उसको हम लोग निपटाएंगे। और हम लोग ये देख रहे हैं कि जो अगला हमारा 29 तारीख को धरना है, अगर उसके पहले कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो ऐसी बैठकें, जैसे अभी हमारे सुशील जी कह रहे थे कि बहुत बार हुई हैं बैठकें, बहुत बार होती हैं, आश्वासन की भुट्टी हर बार पिलाई जाती है, लेकिन अगर हम लोगों को लिखित आश्वासन की ये चीजें, ये मांगे जो आज चर्चा हुई कार्यवृत्ति में जारी होती है और उसका लिखित आश्वासन मिलता है तो हम लोग 29 तारीख के धरने को पोस्टपोन करेंगे, लेकिन अगर कोई लिखित समझौता नहीं होता है तो जो हमारा पूर्व घोषित 29 तारीख का धरना है उसको महानिदेशक कार्यालय पे किया जाएगा, ऐसा संयुक्त मोर्चा के सभी घटक संगठनों के प्रदेश नेतृत्व ने कहा। मैं सीधा बिना समय गवाए मनोज राय जी के पास होता हुआ सबको एक एक मिनट का मौका दूंगा। बड़ी गंभीर बात भी दिलीप जी ने, मनोज राय जी, अभी आपने दिलीप जी की बात सुनी, सबका कहना एक ही बात है कि बैठकें बहुत हुई जब तक लिखित आदेश नहीं, आगे का काम नहीं। एक मिनट का कमेंट, समय काफी हो चुका है। एक बार सुशील पांडे जी को लाइन पे ले लीजिए, सुशील पांडे जी को एक बार लाइन पे ले लीजिए। आप बोलिए मनोज, बोलिए। नहीं, वो फोन नहीं लग रहा मेरी तरफ से फोन नहीं लग रहा, उनसे कहिए मुझे कॉल कर ले या फिर मेरी व्हाट्सएप कॉल उठाए, उनका फोन नहीं लग रहा मेरी तरफ से। दो नंबर भेजा हूँ आपको, दो नंबर भेजा हूँ, एक भी नहीं लग रहा, दोनों व्हाट्सएप कॉल जा रही है। देखिए सर,
मैं इतना ही कहूंगा, मेरे तीन तीन चार चार प्रदेश पदाधिकारियों ने क्या वार्ता हुई उसको बताया। तो वार्ता में मैं भी कई बार रहा हूं, वार्ता ऐसे ही होती है, जब हमारी वार्ता होती है तो हमारी संख्या भारी होती है, अधिकारी एक दो होते हैं, वो हमारी हर बात को मानते हैं, जायज ही कहते हैं, लेकिन जब तक वो उसको लिखित रूप में नहीं दे देते, इन वार्ताओं का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक अन्य ग्रुप है, बोलिए आप बोलिए। जरा बात सुन ले हम उनकी। जी जी, सुशील जी की बात सुन ले। सुशील जी, आज आप बैठक में थे, क्या रहा लबोल आप बैठक का? फिर कट गया है, फिर कट गया, मैंने बोल दिया, आप जो मिलाइए बताएंगे, आप नॉर्मल कॉल व्हाट्सएप कॉल नहीं मिलाइए। नहीं, मैं व्हाट्सएप कॉल करता हूँ, उनसे कहिए मैं कॉल करता हूँ। जी, तब तक मैं जारी हूँ, समय का सदुपयोग किया जाए। तो मुझे इतना ही कहना है कि देखिए, योगेश त्यागी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के, संतोष तिवारी जी विशिष्ट बीटीसी के हैं, सुशील यादव जी महामंत्री हैं, दिलीप चौहान जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, ये सारे लोग। जी पांडे जी, आज क्या रहा बैठक का पूरा लबुलवा? बैठक में सहमति अधिकांश हुई है, जैसे कि हाफ सीएल और ये अनिश्चितकालीन के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस की स्थगित करना, और शिक्षा मित्र शिक्षकों का, शिक्षा मित्र और निदेशकों का मानदेय बढ़ाना, उनका स्थानांतरण के लिए, वेतन विसंगति के लिए, पर बात हुई कि 17,140 के मुद्दे पर और अन्य मुद्दे पर, अगर अन्य मुद्दे के जो समय हमारी मांग पर थे उन मुद्दों पर सहमति हुई कि विभाग स्तर पर और जो शासन स्तर पर नीतिगत फैसले उसे लिया जाएगा और कमेटी में निर्णय कराया जाएगा, लेकिन यह इन समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम आंदोलन यथावत करेंगे। फिलहाल संयुक्त मोर्चा की आज बैठक से आप ये पूरी तरीके से मुतमईन हैं कि इस बैठक के बाद ऑनलाइन अटेंडेंस स्थगित मानी जाए या फिर 2 महीने के लिए स्थगित हुई है? नहीं, कहा तो गया है कि अनिश्चितकालीन के लिए, लेकिन अब चूंकि संयुक्त मोर्चा कहा कि अगर इसमें जो आश्वासन दिया है इसकी कार्यवित निकल जाए, इसकी कार्यवित में निकलने के बाद अगर पूरी तरह से जो आज बातें हुई। जी बोलिए, यथावत करेंगे। पांडे जी रास्ते में है महानिदेशक का स्थानांतर तो हम करेंगे इनका, रही बात इनका मानदेय बढ़ाकर शासन स्तर पर विचार करा जाएगा, प्रस्ताव भेजेंगे, इन्होंने कहा। पांडे जी, पूरे राज्य का शिक्षक आपकी तरफ देख रहा है, कल संयुक्त मोर्चा जब बैठक में नहीं सम्मिलित हुआ तो शिक्षकों में थोड़ी सी नाराजगी थी, शिक्षक आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो आगे आपका क्या कदम होगा इस आंदोलन को लेकर? आंदोलन संयुक्त मोर्चा का आंदोलन सभी घटक का है कि निश्चित रूप से आज मांग पत्र संयुक्त मोर्चा के मांग पत्र पर बात हुई, उस पर जो आश्वासन दिया गया उसके कार्यवित निकले और उसका अमल हो, इसका अमल नहीं होगा तो हमारा आंदोलन यथावत रहेगा। अगर प्रशासक परिणाम आए, अपनी बात पर सहमति रहा, जो उच्च अधिकारियों का आज मीटिंग किया उसका अमल किया गया तो निश्चित रूप से हम फिर तो हमारी कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर अमल नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आंदोलन। पांडे जी आप लाइव जुड़ गए हैं, आप अपना कैमरा ऑन करिए, लाइव जुड़ गए हैं। पांडे जी बड़ा अच्छा रहेगा अगर लाइव आके थोड़ा सा दर्शकों के, आप फोन काटता हूँ, लाइव आ गए हैं तो आप थोड़ा सा कैमरा ऑन करिए, जुड़ जाएंगे। शायद लाइव जुड़ जाए तो बात हो जाएगी। मैं राय साहब कुछ कहना है, नहीं तो मैं विनय सिंह जी की बात सुनूं। विनय जी, अभी आपने संतोष तिवारी जी को सुना, फिर आपने त्यागी जी को सुना, विजय बंधु जी को सुना, अभी आपने पांडे जी को भी सुना, सबका एक ही बात है कि अगर कार्यवृत्ति लिखित में जारी नहीं होगी तो हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। मिश्रा जी, मैंने पहले भी
पहला मैंने शुरुआत जो मैंने की थी इस डिबेट की, तो वही जो मैंने बात कही वही बात सामने आ रही है, क्योंकि सरकार बार बार विभाग आपसे वार्ता करता है, आपकी बातें सुनता है, बहुत मीठा मीठा जवाब देता है, आप बड़े प्रसन्न होकर चले आते हैं। अब आपको करना क्या, जैसे भी हमारे किसी साथी ने बताया कि फोन के वार्ता द्वारा ही अचानक बुलाया गया है, तो चार लाइन के पत्र लिखा जा सकता था, सिग्नेचर करके किसी एक के व्हाट्सएप पे भेजा जा सकता था, सबको सर्कुलेट हो जाता, तो फोन पे बुलाने का उचित क्या था। दूसरा, जब भी हम लोग शासन वगैरह में बैठकें होती हैं तो एक पत्र चलता है वहां पे, जहां पे जितने पदाधिकारी समय वार्ता में होते हैं उन सबका सिग्नेचर होता है, उनका संगठन का नाम होता, पदनाम होता, मोबाइल नंबर होता है, और उस वार्ता में जितने अधिकारी होते हैं सामने बैठे हुए उन अधिकारियों का भी सब पर सिग्नेचर होता है, और ये दोनों कागज जब आपका कार्यवृत्त जारी होता है उसके साथ आपको अटैच करके मिलते हैं। हम मोर्चा के साथियों का इतना ही करना है कि शांत ना बैठ के केवल इतना करना है, 3-4-5 दिन एक हफ्ते में प्रयास करें कार्यवृत्त जारी कराए। कारण क्या है कि अगर अगर साथी लगे या नहीं तो ये सब बहुत लेट वो रहेंगे, कभी जारी नहीं करेंगे। शासन ने कहा कि वार्ताओं में 2-2 महीना 3-3 महीना लग जाता है कार्यवृत्त जारी होने में, तो केवल हम इतना ही कहना है लास्ट में कि मोर्चा के जो भी हमारे साथी हैं उनको लगना चाहिए बीच बीच कभी एक संगठन के साथ है कभी दूसरे संगठन के, वहां जाए भैया उसमें कार्यवृत्त पे क्या काम हुआ, कितना काम बढ़ा, अगर लगे रहेंगे तो कार्यवृत्त ये बात आ जाएगी, उस पर सहमति बने, ये यहां से यहां भेजी जाए फाइल, एक एक बात सामने आ जाएगी, उसके बाद निर्णय लें कि 29 वाला धरना को पोस्टपोन करना है या जारी रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकाध हफ्ते के अंदर थोड़ा सा प्रयास करके कार्यवृत्त जारी कराने का प्रयास किया जाए। अगर घर पे बैठ जाएंगे या ये इंतजार करेंगे तो आप निश्चित मानिए ये विभाग है, इसने देखा कि इतनी वार्ता कर ली फिर बुला के मीठा मीठा घुट्टी पिला देंगे और ये मामला 29 का टल जाएगा। इससे बहुत महत्वपूर्ण है कि एक हफ्ते में लग के कार्यवृत्त जारी कराने का प्रयास किया जाए। मिश्रा जी, नहीं बिल्कुल आपने साफ शब्दों में पूरी बात कह दी और एक अच्छी बात की है, देखना ये होगा इसके क्या परिणाम। सीधा मैं शाही जी के पास। अभी हम लोगों ने संतोष तिवारी जी को सुना, त्यागी जी को सुना, आदरणीय सुशील पांडे जी को सुना, दिलीप चौहान जी को सुना, ये लोग और ये यादव जी को सुना, ये लोग मीटिंग में थे। उन लोगों ने जैसा बताया उसके अनुसार कंक्लूजन यही है कि कार्यवृत्ति यथाशीघ्र जारी हो ताकि स्थितियां साफ। और उन लोगों तक ये संदेश मैं देना चाहता हूं, अगर मोर्चा बना है विनय भाई की शब्दों में तो उसका एक पैड है, उस पर अधिकृत बयान जारी होना चाहिए, आगे के लिए ध्यान देंगे। बाकी मनोज भाई कुछ लहरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, इनको भी सुन लिया जाए। जी मिश्रा जी, मनोज जी क्या कहना चाह रहे हैं? मनोज जी, बस जो कह दिया साई जी ने वही कहना है कि कार्यवृत्त जारी हो जाए। सबसे बातचीत हो चुकी है जी। मनोज जी बस कार्यवृत्त का इंतजार है सर, कार्यवृत्त आ जाए, शासन में हमारी बातें चली जाए, हफ्ते 10 दिन के अंदर कार्यवाही होके बातें बाहर आ जाए तो हम 29 का धरना स्थगित करने का सोचेंगे, और ये नहीं होता है तो मान लेंगे कि लटकाना अटकाना भटकाना हो गया है, कमेटी गठित हो गई है, फिर अगला संघर्ष होगा। हम तो संघर्ष पथ वाले लोग हैं। कमेटी भरोसा नहीं किसी का रहा। विक्रम सिंह अंतिम कमेंट और फिर समय काफी हो चुका है। विक्रम सिंह जी, सर सभी बड़े भाइयों के उससे सहमत हूं जैसा विनय सर कह रहे हैं, क्योंकि सही कह रहे हैं सर, वार्ता तो कई बार होती है, हम लोग भी 27 दिसंबर के बाद लगभग 10 से 15 बार वार्ता हो चुकी है, तो वार्ता का दौर तो चलता है, लेकिन जब तक वो लिखित में, क्योंकि लिखित ही तो वो पत्थर का मील साबित होता है सर, वार्ता में क्या हुआ मौखिक कोई मतलब नहीं। मौखिक किसी को आपने 10,000 रुपया दे दिया, 10,000 रुपया दे दिया, उसका कोई बाद में मतलब नहीं होता है। यदि आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट किए हो, चेक से किए हो, तो इसका बहुत मतलब होता है सर, आप केस कर सकते हैं। मौखिक किसी को पैसा देकर आप केस नहीं कर सकते, आप उसको कहीं अदालत की कार्रवाई में नहीं ला सकते हैं, पुलिस को नहीं कह सकते हैं कि मैंने इनको 10,000 रुपया उधार दिया था, लेकिन वही चेक के द्वारा दिया हो, ऑनलाइन दिया हो, तो ही ऑनलाइन और चेक लिखित है,
ये जब कार्यवृत्त जारी करेंगी तो उससे स्पष्ट होगा कि इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा 29 को डिस्टर्ब करने की है, 29 को रोकने की है कि वास्तव में कुछ करने की है सर। तो कार्यवृत्त जारी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग भरोसा करेंगे कि सरकार कुछ करना चाहती है या वही जो मोदी जी कहते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री जी, लटकाना अटकाना भटकाना। तो देखिए क्या होता है। जी सर, चलिए सभी शिक्षक नेताओं का आभार कि आपने हमें बड़ी बेबाकी से सुना, शिक्षकों ने भी इतना समय दिया। लेकिन इसी समय एक ब्रेकिंग आ रही है, वो दर्शकों तक बस दे दें। आप सभी शिक्षकों का आभार है, आप सुनना चाहें तो आपका स्वागत है। बाबा साकार हरि उरुप सूरजपाल का दूसरा वीडियो आज सामने आया। सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद हैं, अवसाद से ग्रसित हैं। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। हमारे वकील डॉक्टर एपी सिंह जी एवं हमें भी जैसा प्रत्यक्ष दर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, यह पूर्णतया सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। सनातन रूप से आध्यात्मिक संचार, सनातन रूप से संचालित सत्य के साथ में जिसे कुछ लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें SIT और न्यायिक आयोग से तथा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के सभी अनुयायियों को भी पूरा भरोसा है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए साजिशकर्ताओं को बेनकाब करेंगे। हमने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से भी ये विनती की थी कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों और इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तनमन धन से खड़े रहने की, जिसको सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार मानना भी शुरू कर दिया है, और हम उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हैं। अभी हम चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी जन्मभूमि निज प्रवास बहादुर नगर में हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान कठिन समय में भी वही माध्यम है। सभी को सदमति और सदबुद्धि प्राप्त होने का। नारायण साकार हर की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आपने सुना साकार हरि का ये बयान, अभी अभी जस्ट मेरे पास उपलब्ध हुआ तो मैंने अपने दर्शकों तक रखा है। सभी शिक्षकों के प्रति हमारी सद्भावनाएं। शिक्षक जगत का निर्माता है और शिक्षक की लड़ाई हम यूं ही लड़ते रहें। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।